अर्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हुई, योग्य वर ढूंढा और विवाह निश्चित करने के बारे में योजना बनने लगी। जैसे ही विवाह के लिए जो वर देखना था वो अपने मन का होकर के संतुष्ट हो गए, तो सबसे पहले वहाँ पर वागदान हो गया, कन्या का वागदान। वागदान समझते हैं? नहीं समझते ना। देखो, भारत में रह करके अभी पिछले 10 साल तक पढ़ाया जाता था, अभी अभी में वागदान नहीं समझते, बताओ। वागदान का कहते हैं मतलब सगाई, मुँह जबानी, मुँह से बोल दी भैया लड़का पसंद है, लड़कियां हमारी आपकी आज से बहू कहलाई और ये लड़का हमारा दामाद हुआ। तो वागदान, जिसको आप आज की भाषा में सगाई कहते हैं, सगाई हो गई। और सगाई में क्या दिया लिया जाता था, आपके यहाँ तो आजकल बहुत कुछ चलता है, लेकिन वागदान में जो पुरातन परंपरा चली आई उसमें सिर्फ फल दिए जाते थे, फल दे दिए। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, जब भी सगाई एकाई का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें केला रख दिए, पेड़ा रख दिए, साथ में अंगूर रख दिए, एप्पल रख दिए, क्या हो रहा है भाई, फलदान हो रहा है। फलदान का मतलब समझते हैं क्या? फलदान का मतलब ये है कि ये संतान दोनों आपस में रह करके फलवती हो, इनका जीवन अच्छे से फले, जैसे वृक्ष में से ये फल फल करके आज हमको सुख देने के लिए यहाँ पर आ गया है, तो हम अपने यहाँ के उत्तम उत्तम फल दे रहे हैं आपको, ये बताया जाता है। ये उत्तम फलों के माध्यम से हमारे पुत्र में कोई दोष नहीं है, हमारा पुत्र निर्दोष है, उसकी कषाय समित है, धार्मिक है, अच्छी परिणति वाला है, परिवार को लेके चलने वाला है। तो दोनों तरफ से फलदान होता है। वो फलदान क्या सिखाता है? हम परंपराएं तो बहुत जीते हैं लेकिन परंपराओं के अंदर की जीवंतता को नहीं जानते। क्यों क्रिया की जाती है ये नहीं पता, करते तो सब हैं, करते हैं ना, होता है। फलदान दे दिया, कन्या वैसे ही माँ ने, चूंकि उसके पिता नहीं थे तो माँ का और दायित्व तो बढ़ जाता है। एक मनोवैज्ञानिक जीवन शैली है कि बच्ची जो होती है वो पिता से ज़्यादा अटैच्ड रहती है और लड़का अपनी माँ से। अगर घर में पिता मर जाए, माँ हो, तो माँ की जवाबदारी इतनी बढ़ जाती है कि ये पिता के अभाव में ये लड़की कहीं बिगड़ ना जाए, तो माँ को बहुत सजग रहना पड़ता है। और अगर माँ मर जाए तो 100% चांसेस रहते हैं बच्चे के बिगड़ने के। तो पिता की जवाबदारी और बढ़ जाती है कि माँ इसकी शांत हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा बिगड़ जाए, तो पिता बहुत संभाल करके लेके चलता है। तो कभी भी बच्ची हो तो पिता के हाथ में ज़्यादा सुरक्षित रहती है, बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी है। लड़का है तो माँ के हाथ में, उन दोनों से दोनों का निर्वाह बहुत अच्छे से हो जाता। तो उस माँ ने अपनी कन्या का फलदान कर दिया, पहले वागदान हुआ, सगाई हुई, सगाई में सबसे पहले फल दे दिया। फल दे करने के बाद जो है वहाँ पर व्याख्यान होता है, जिसको कहते हैं शाखा उच्चार, आप लोगों के यहाँ भी होता होगा। शाखा उच्चार में क्या होता है, आपने देखा कि लंबा सा कागज लिखा रहता है, उसमें पूरा स्वस्ति वाचन चलता है, क्या फलाने चंद की लड़कियाँ, फलाने चंद की नातिन, फलाने गोत्र की, इनको ये वंश है, इस वंश में इनकी पुत्री है और इसका ये शुभ लग्न है, शुभ नक्षत्र है, ये सब क्या है, शाखा उच्चार। इस शाखा उच्चार के माध्यम से कुल और गोत्र और जाति
इन तीन के बारे में जानकारी जन सामान्य को दे दी जाती है कि माँ का कुल कौन सा है, पिता की जात कौन सी है, ये कौन से गोत्री हैं, इन गोत्री में भी ये किस नक्षत्र में पैदा हुए थे, उस नक्षत्र का क्या प्रभाव रहता है, वो ज्योतिष पूरा निकाल देता है। और आपस में कुंडली मिलान करने के बाद सबसे पहले होता है शाखा उच्चार, करते तो होंगे आप लोग, है ना, जिसको आप लोग कहते हैं भैया लगन बांची जा रही है, तो उस बहन की उस बेटी की भी लगन बांच दी गई, उसके पीछे का कारण क्या होता है ये देख लो। जन सामान्य को आश्वस्त करना कि ये दोनों परिवार जब मिलेंगे उच्च गोत्री हैं, एक समृद्ध कुल के हैं, आपस में इनकी समानताएं अच्छी हैं, कुल का वैभव अच्छा है, शुद्धता अच्छी है, तो चारे जितने भी पढ़े लिखे वृद्ध लोग रहते हैं उसका वो आशीर्वाद और खूब सारा स्वस्ति भवतु ऐसा कहते हुए कि इन लोगों का खूब फले, ऐसे तरीके से सबसे पहले होता है वागदान। वागदान में तीन चीजें, वागदान, फलदान और शाखा उच्चार। सगाई पूरी हो गई, अब पाणिक ग्रहण। पाणिक ग्रहण आजकल प्राण ग्रहण बन गया है, शादी होने से पहले ही धक धक करता है, नहीं पटी तो, नहीं चली तो, अगर बिगड़ गई तो कछु नहीं, छोड़ देंगे दो तीन साल में, देख लेते हैं क्या है। तो ऐसी संस्कृति हो गई है कि इस संस्कृति में शादी से पहले लड़के और लड़कियों की मानसिकता बन गई है, हम भी कमाते हैं वो भी कमाता है, बनी तो ठीक, नहीं बनी तो छोड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे। माँ भी ऐसे कान भरती रहती है, अरे हो इतने साल से सह रही हूं, कब तक सहोगी, छोड़ो, और छोड़ दिया। लेकिन उस माँ ने अपनी बच्ची को ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, माँ ने बच्ची को हर बारीकियां समझाई थी, छोटी छोटी, हो सकता है वो बारीकियां कभी आपने समझी हो या नहीं समझी हो, जब मैं पन्ने पलटता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि कैसी कैसी बारीकियां रहती हैं। तो उसमें जब सात फेरे लिए, तो सात फेरे लेने की परंपरा तो आपके यहां भी चलती है ना, ये वैष्णव परंपराओं में भी चलती है, कई परंपराएं ऐसी होती हैं जिसमें फेरे ना लेकर के सात लकीरें खींच दी जाती हैं, और पति और पत्नी दोनों को एक एक करके एक एक लकीर के ऊपर पैर रखना सिखा करके उस तरफ ले जाते हैं, चाहे आप लकीरें खींच दो और चाहे आप सात फेरे लगा दो। उस सात फेरे के जो अर्थ हैं, उन अर्थ को आज हमको अपनी मानसिकता में एक बार फिर से जीवंत करना पड़ेगा। क्या जीवंत करना है महाराज? क्योंकि अभी बहुत सारी कन्याएं ऐसी हैं जिनका विवाह होने वाला है, बहुत सारी कन्याएं ऐसी हैं जो अभी अभी विवाहित हो गई हैं, बहुत सारे दंपति ऐसे हैं जिनके जीवन के दो चार वर्ष हुए हैं और उनके घर के अंदर तलाक का वातावरण बनने लगा है। कुछ लोगों ने तलाक के लिए केस दायर भी कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों का तलाक हो भी गया होगा, एकाकी जीवन जी रहे होंगे, ऐसी कितनी घटनाएं हैं। उसमें पुरुष का बहुत कम बिगड़ता है, अधिकतर बिगड़ता है महिला का। तलाक होने के बाद ऐसी स्थिति रहती बंधु, माँ अपने घर में रखना नहीं चाहती, भाई अपने घर में रखना नहीं चाहता और उसको कहीं जगह मिलती नहीं। शुरुआत में वही माँ कहती है अरे छोड़ दो हम संभाल लेंगे, बाद में कहती है महाराज कैसे पाप कर्म का उदय था, जीवन भर के नानी को घर में ढोने पड़ रहा है। तो वही माँ कहती है मर जाए तो ही अच्छी, घर में तो ना रहे, जिसने पैदा किया है उसके अंदर के ये विचार हैं। आज की संस्कृति में भी बच्ची घर के लौट के आती है बहुत दुख देती है, बहुत सलाती है, लेकिन इस माँ ने अपनी बच्ची को बचपन से सब सिखा दिया। अब शादी के समय माँ और वो जो ज्योतिषाचार्य थे, पुरोहित थे, वो पुरोहित विवाह के उस फेरे के वक्त उस कन्या को सिखा रहे थे, बता रहे थे कि बेटा ये जो पहला फेरा है ये ऐश्वर्य के लिए है। ऐश्वर्य क्या नाम है? कि तुम्हारे कारण जिस कुल में तुम जा रही हो उसका पूरा बहुमान बढ़ा रहे, बढ़ता रहे, एक साथ दोनों के कदम उठते हैं,
दोनों के कदम उठने का मतलब पति की भी जवाबदारी रहती है कि मैं जिस पत्नी को लाया हूं उस पत्नी के घर का ऐश्वर्य भी बना रहे, और पत्नी की जवाबदारी भी है जिस घर में आई हूं इसके घर का पूरा ऐश्वर्य, इनकी जो ख्याति है, इसकी जो कीर्ति है, ये बनी रहे। लेकिन कई बार पुरुष इतने घमंड में आ जाता है, कितने घमंड में, कि ससुराल में जाकर के पत्नी के घर वालों को रोड से चिल्लाता है, रोड में उनको खूब गंदे गंदे शब्द कहता है, तमाशा पूरे मोहल्ले के लोग देखते हैं। उस समय आपके उस संबंध का पहला भाव खत्म हो गया, आपने अपनी ही पत्नी के घर में जाकर के और पत्नी का ऐश्वर्य नष्ट कर दिया। पत्नी ने पति के घर में आकर के जब सबके सामने पिताजी से तेज आवाज में बात कर दी, भैया अपना काम खुद करना सीखो, पिताजी हम कब तक आपका करेंगे, हमको अपने बच्चे भी तो संभाल लें, ऐश्वर्य खत्म कर दिया, मिट गया। तो कन्या इतनी सुशील हो, उसको सिखाया जाए, संबंध जो बनाए जा रहे हैं वो दो परिवारों का, दो संस्कृति का, दो विचारधाराओं का एक ऐसा मेल है जिससे ये पूरा संसार और भारतवर्ष और उत्थान को प्राप्त होगा। लेकिन ऐसी कोई शिक्षा हम देते नहीं हैं, बस शादी कर देते हैं, क्या कोर्ट मैरिज कर दी। अरे कोर्ट में दस्तखत करने से किसी को संस्कार मिल जाते हैं क्या, कि शादी के फेरे में जब शादी का फेरा चल रहा हो उस समय की जो फूहड़ता आज की हो गई है उस फूहड़ता की जगह गंभीरता की जरूरत है। सारी नौटंकियां करते हैं आप फेरे के समय, जबकि सारी सजगता के साथ दिमाग में भर देना चाहिए, जितनी बार किसी की शादी हो रही हो अपनी कुमारी कन्या को ले जाकर के वहां दिखाओ, देखो संबंध हो रहा है और इस संबंध में शादी की गंभीरता देखो। गंभीरता क्या कहती है, पहला फेरा जो पड़ रहा है ना बेटा ये ऐश्वर्य के लिए है। पत्नी ये बात को स्थापित कर लेती है कि अब मुझे पति के ऐश्वर्य की सेवा करनी है, पति का ऐश्वर्य बना करके रखना है, और पति का भी कर्तव्य है बच्चियों को सिखाओ ले जा करके वहां पे तैयार करके, जो फूहड़ता का माहौल बनाते हैं जबकि वहां पे शिक्षा का एक वो केंद्र है, उस शिक्षा के केंद्र में पहली चीज सिखाई ऐश्वर्य। पूरा हो गई ऐश्वर्य, ऐश्वर्य होने के बाद दूसरी चीज, दूसरा फेरा किस बात के लिए, ऊर्जा के विकास के लिए। ऊर्जा का विकास कैसा, कि पति और पत्नी दोनों इस बात के लिए संकल्पित रहते हैं कि हमारा आपका आहार विहार इतना पवित्र होगा जिससे हम दोनों की आयु बढ़े। पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 120 साल और पति मर गया 55 साल में। किसी ने पूछा कारण क्या, बोले कितनी किलकिल होती थी घर के अंदर, बेचारे घुटते गए और एक दिन निपट गए। कैसे निपट गए आप बताओ, देखो भावनाओं का कितना खेल है, कि मां बहनों को, बेटी को, महिला को घर के अंदर संकलेश हुआ और उसने संकलेश भाव के साथ आटा गूंथ दिया, मन में कसाय है, मन में तीव्र क्रोध है और वो पति के लिए रोटी लगा रही है, पति के लिए सब्जी बना रही है, और संबंध किया था उस समय ये संबंध में संकल्प था कि ऊर्जा के विकास के लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन मन में दुर्भावनाएं इतनी ज्यादा थी कि उस दुर्भावनाओं के साथ बनाए गए भोजन में इतनी विषाक्तता आ गई कि पत्नी के हाथ का ही खाते खाते आप देखिएगा कि पति की उम्र पत्नी की उम्र से हमेशा 10 से 15 साल कम निकलती है। भैया इनको मरे तो 18 साल हो गए, कोई कह रहा 15 साल हो गए, भैया तुम दोनों उम्र में कितना फर्क था, 2 महीने का, फिर वो इतनी जल्दी क्यों चला गया। उसके जल्दी चले जाने का पहला सबसे बड़ा कारण है कि दुर्भावनाओं के साथ उसने जीवन भर विष का भक्षण किया। कुछ चीजें होती हैं तत्काल फल देती हैं, कुछ अनंतर फल देती हैं कुछ समय के बाद। ये दुर्भावनाएं कई लोगों के जीवन में थोड़ी देर बाद फलीभूत होना पसंद करती हैं। इन दुर्भावनाओं का खेल है कि अगर बहुत सारे लोग एक ही वृक्ष के नीचे बार बार जाके बोलें तुम सूख जाओ तुम सूख जाओ तुम सूख जाओ, तो एक दिन उस वृक्ष के सारे पत्ते झड़ करके सूखना प्रारंभ कर देते हैं, जिसको आप टेलीपैथी भी कहते हैं बंधु। तो दूसरा फेरा जब लग रहा था ऊर्जा के विकास के लिए, शुद्ध भोजन करेंगे,
शुद्ध आहार, शुद्ध विहार, शुद्ध विचार रखेंगे, जिससे हमारी और तुम्हारी दोनों की आयु बढ़े ना कि घटे। आज ये विज्ञान पूरी दुनिया से हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में फिनिश्ड है। सैटरडे संडे को जब हम होटल में जाते हैं, वहां पे होटल का बना खाते हैं, तो उस होटल के बने खाने और जाने में क्या आपका आहार की पवित्रता रहती है? उसी में छिपकली की पूछ छिपकली, कहीं आदमी की उंगली, कहीं दूसरी चीजें कटी पटी मिल जाती हैं। उस समय उसको खाने से जब आपको फूड एलर्जी हो जाती है, सुनते होंगे कई बार, ये बरसात का मौसम आ गया, इसमें सबसे ज्यादा शादी संबंधों में जो लोग भोजन करते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा एलर्जी होती है और फूड पॉइजनिंग होती है, और एक साथ कहीं 15 लोग, कहीं 20 लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं और निपट लेते हैं। क्यों? आहार विज्ञान, विहार विज्ञान, कुछ भी नहीं बचा। जबकि संबंध लगाया था तो इसके लिए कि ऊर्जा की रक्षा करेंगे, लेकिन ऊर्जा का धीरे धीरे नाश होता गया। उस ऊर्जा की रक्षा से क्या होगा? तो तीसरा एक प्रकल्प लगाया, उससे भूति उत्पन्न होगी। भूति शब्द में वी विशेषण लगा दो तो विभूति शब्द बन जाता है। विभूति शब्द कहता है कि किसी भी शक्ति को जो आपके पास बहुत अत्यधिक मात्रा में हो, कोई भी पुरुषार्थ करने के बाद आपने जो अपने पास अर्जित किया है वो अत्यधिक मात्रा में हो तो विभूति कहलाती है, और थोड़ी सी मात्रा में हो तो भूति कहलाती है। वो भूति क्या है? वो भूति है कि हम अपनी ऊर्जा के माध्यम से घर के अंदर जेवर है, धन है, संपदा है, संपत्ति है, इसको एकत्रित करेंगे, जिसके माध्यम से हम और तुम दोनों सुख से रह सके। आप लोग उसमें नियम भी दिलाते हैं ना कि हाँ, तुम मेरे जेवर का, कपड़े का, इसका उसका, किसका किसका ध्यान रखोगे? तो पति बोलता मैं ध्यान रखूंगा, तो पति भी ये नियम दिलाता है, हाँ तुम मेरे मेहमान का, आने जाने वालों का, मित्रों का सम्मान करोगी, ऐसे कुछ दिलाते कि नहीं? ऐसे होते ना, दोनों तरफ के साथ साथ नियम रहते हैं, जबकि ये सात नियम दोनों के लिए रहते हैं, जो आपने हो सकता है पहले कभी ना सुने हो, सुन लेना तो अच्छी बात है। तीसरा फेरे में भूति का संकल्प। चौथा परस्पर सुख की वृद्धि, हम एक दूसरे को सुख प्रदान करेंगे, दुख प्रदान नहीं करेंगे। तो सुख कैसे प्रदान करेंगे? कि कुछ समय साथ में रह करके मैं तुम्हारी प्रकृति को जान लूंगा, तुम मेरी प्रकृति को जान लेना, फिर तुम ये समझ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे कब गुस्सा आता है, किस बात पे आता है, क्यों आता है। तो धीरे धीरे पति और पत्नी के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि पत्नी बाहर से बैठे, देख तेरे मौसिया जी को ना अभी 5 मिनट में गुस्सा आने वाला है, तो बोले ये तो बारिश से भी गया बीता, बारिश वाला तो बाद में, वो पहले बता, तेरे मौसिया जी 5 मिनट में गुस्सा होने वाले बेटा, ध्यान रखियो। तो वो बोलता अरे ऐसा कैसे? बोले हमको पता है ना, हम उनकी पत्नी हैं, हमको परस्पर सुख की वृद्धि के लिए हमारी माँ ने सब पहले सिखा दिया था कि उनका विज्ञान तुम समझ लेना, इनका विज्ञान तुम समझ लेना। तो अच्छे जो पढ़े लिखे परिवार होते हैं उसमें कभी भी ये वातावरण नहीं बनता। पति पहले समझ जाता है कि आज तू ये ताड़का का रूप लेकर के बैठी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर, मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर, छत्तीसगढ़। रमोकार मंत्र।